जैसे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम आई डियर फ्रेंड। देखो, आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन 2,7,12 टू 10 टर्म्स। लिखा है क्वेश्चन 2,7,12 10 पदों तक। हमें क्या निकालना है? समांतर श्रेणियों का योग क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द सम। देखो एक्सरसाइज 5.2 में जो हमने अप्लाई किया था फॉर्मूला, देखो उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है बस आपको। यहाँ देखो इसका फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 5.2 में हमने पढ़ा था an इक्वल टू में a+n-1 × d। तो आप देखो जहां हमने an लिखा वहां कितना हो जाएगा sn। वहां अब आपको क्या लिखना है? sn, sn इक्वल टू में n/2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 2a+n-1 × d। देखो an निकाले थे अपने लास्ट टर्म, अंतिम पद जो लास्ट वर्ड नंबर कौन सा आएगा उसके लिए अपने an फाइंड कर रहे थे। यहाँ हमें फाइंड करना है sn। देखो an और sn में क्या डिफरेंस होता है? हमसे बोला जाए 1, 2, 3 तो 10 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? तो 10 ही आएगा या सीरीज में, तो वो 10 क्या हो जाएगा? an। लेकिन sn क्या करेगा? 1+2+3+4+5 इन सबका सम। तो यहाँ अपने को इन सबका क्या करना है? सम। जो भी अपने पास क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या निकालना है? सम, निम्नलिखित पदों का योग। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो फॉर्मूला क्या करना है? sn इक्वल टू n/2 × 2। इतना ऐड हुआ उतना देखो पहले ही लिखा हुआ था a+n-1 × d। इतना बस आपको और थोड़ा याद करना है। sn इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 2a+n-1 × d। अब देखो यहाँ हमारे पास सीरीज क्या लिखी है? 2,7,12। कितने टर्म्स है अपने पास में? 10 टर्म्स लिखा है अपने पास। तो देखो a कितना हो जाएगा? 2। d हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 - 2 कितना हुआ? 5। n हमारे पास कितना है? 10। हमें क्या फाइंड करना है? sn। क्या फाइंड करना है अपने को? sn। तो n कितना है नंबर ऑफ टर्म? 10। हमें 10 टर्म तक उनका सम फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या है? sn, तो s 10 n/2 कितना हो जाएगा? 10/2। ब्रैकेट में कितना आएगा? 2 × कितना लिखा? a। तो a हमारे पास कितना है? 2+n-1। n कितना है अपने पास में? 10। तो 10 - 1 × d। d हमारे पास कितना है? 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। तो देखो 10/2 कितना हुआ? 5। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे? 5। यहाँ कितना हो जाएगा? 2×4+10-1 × 9 × 5। यहाँ कितना हुआ? देखो 4+9 = 5। बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना, पहले हमें मल्टीप्लाई करने गुणा करनी है पहले, उसके बाद हमें इसको प्लस करना है। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 9×5 = 45। तो देखो 5 × 45 + 4 = 49। बाहर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन होगा? इधर मल्टीप्लाई का साइन, 49 × 5। तो देखो 9×5 = 45, 5×4 = 20 और 4 कितना हुआ? 245। तो हमारे पास 10 नंबर का सम कितना आ गया? 245। देखो जब भी अपने को लिखा जाए फाइंड द सम, तो ध्यान रखना हमें sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जब अपने को नंबर ऑफ टर्म या an लास्ट टर्म पूछी जाए तो अपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? an इक्वल टू में a+n-1 × d। तो अब देखो इसका सेकंड नंबर अपने डिस्कशन करते हैं। तो देखो सेकंड नंबर में हमें क्या दे रखा है? -37 - 33 - 29। कितने टर्म्स तक हमें दे रखा है? 12 टर्म्स तक। हमें कितने पदों का योग निकालना है? 12 पदों का योग निकालना है। तो देखो अपने क्या लिखेंगे? -37 - 33 - 29। कितने टर्म्स तक हमें निकालना है? 12 टर्म्स, 12 पदों तक हमें निकालना है। तो देखो यहाँ हमारे पास ये कितना हुआ? -37। d कितना हो जाएगा? d का ध्यान रखना या साइन में गलती होने के चांस रहते हैं। d इक्वल टू होता है a2 - a1, तो -33 - और -37।
देखो यहाँ ए टू माइनस 33 लिखा है तो हमने एज इट इज लिखा माइनस 33। फॉर्मूले में बीच में आता है ए टू माइनस ए वन, सेकेंड में से फर्स्ट अपने को माइनस करना होता है तो माइनस 33 माइनस, और यहाँ फिर कितना लिखा है माइनस का 37। दो साइन एक साथ नहीं रख सकते तो अपने क्या करना है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 33 प्लस का 37। दो डिफरेंट साइन आ जाए, दो डिफरेंट साइन आ जाए तो अपने क्या करेंगे 37 माइनस 33 कितना आ जाएगा 4। अब ये 4 प्लस में या माइनस में वो डिपेंड करेगा बिगर वैल्यू का साइन। यहाँ बिगर वैल्यू का साइन कौन सा है प्लस है तो अपने क्या लिखेंगे प्लस का 4। तो डी कितना आ गया अपने पास 4, डी हमारे पास कितना हुआ 4, एन हमारे पास कितना देगा 12। हमें क्या निकालना है एस एन, एस एन इक्वल टू में एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एस कितना हमें फाइंड करना है 12 टर्म्स तक, तो एन कितना हो जाएगा 12 एन अपॉन में 2, तो अपने कितना लिखेंगे 12 अपॉन में 2, 2 मल्टीप्लाई ए, ए हमारे कितना है माइनस में 37 प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना हो जाएगा अपने पास 4। अब देखो यहाँ 12 अपॉन में 2 कितना हुआ 6, माइनस में 37 टू जा, देखो माइनस में 37 टू जा 37 मल्टीप्लाई 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना हुआ 74, माइनस में 74 प्लस में 12 माइनस 1 11, 11 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 44। तो देखो 6 मल्टीप्लाई माइनस 74 प्लस 44, 44 में से 74 अपने क्या करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा अपने पास देखो 44 माइनस 74, 74 और 44 कितना हुआ 0 और 3, तो 6 मल्टीप्लाई 30 कितना आ जाएगा अपने पास 180। तो जब अपने को 12 टर्म्स निकालनी है तो कितना हो जाएगा 12 टर्म्स का आंसर 180। देखो ए हमारे पास कितना था माइनस 37, डी कितना आया प्लस में 4, कैसे हुआ इसका ध्यान रखना, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, माइनस में 33 माइनस और माइनस में 37 माइनस माइनस प्लस, 37 में से माइनस करेंगे 33 कितना आ जाएगा 4, एन कितना अपने पास में 12, एस एन इक्वल टू में एन बाई 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, एन अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 2, वैल्यू एज इट इज हमने पुट की कितना आंसर है अपने पास 180। अब देखो अब अपने डिस्कशन करेंगे इसी का थर्ड पार्ट। देखो यहाँ अपने पास वैल्यू पॉइंटों में दे रखी है तो पॉइंट में और एक ही फोर नंबर दे रखा हमें फ्रैक्शन में, तो इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इनमें तो नॉर्मली आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है लेकिन वहाँ आपके स्टार्टिंग से पॉइंट वाला तो नॉर्मल आप इसमें लास्ट में भी गलती करोगे लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इनसे भी। देखो क्या लिखना है आपको 0.6, 1.7, 2.8 कितने टर्म्स तक अपने को निकालना है 100 टर्म्स, 100 पदों तक अपने को निकालना है, कितने पदों तक 100 पदों तक कितना हो जाएगा, देखो ए हमारे पास कितना है 0.6, डी कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट अप्लाई करना है कितना हो जाएगा 0.6, कितना आ गया अपने पास 1.1, एन हमारे पास कितना है 100, अपने को क्या फाइंड करना है एस 100 अपने को फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ 100 टर्म्स तक। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू में एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, देखो यहाँ कितना हो जाएगा एस 100, एन कितना अपने पास 100 अपॉन में 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी हमारे पास कितना है 1.1 हुआ इतना। अब देखो आगे 2 मल्टीप्लाई 0.6, देखो 6 टू जा कितना होता है 12, तो यहाँ देखो पहले 100 अपॉन में 2 50, 2 से 100 कट हो जाएगा 50 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 0.6 कितना हुआ 1.2, 6 टू जा 12, 1 नंबर के बाद अपने को पॉइंट लगाना है 1.2,
प्लस 99 मल्टीप्लाई 1.1। तो देखो 99 की मल्टीप्लाई किससे करो, 11 से। 11 9 जा 99 प्लस 9 108 108। वन नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 108.9। तो यहाँ कितना हुआ देखो 51.2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 108.9। अब फिर ध्यान रखना पॉइंट और पॉइंट को अपने को क्या करना है, अच्छे से अप्लाई करना है। और हमें क्या करना है इस बार पहले प्लस, तो 108.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ कितना लिखा है 2 और यहाँ कितना लिखा है 1। 9 प्लस में 2 11, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, कितना आ गया देखो 50 मल्टीप्लाई 110.1। अब देखो इसको अपने और इजी कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट लिखा है इस पॉइंट को रिमूव करेंगे अपॉन में कितना आ जाएगा 10। तो देखो 0 से एक 0 कट, आप सीधा क्या करो 1101 की मल्टीप्लाई 5 से कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है आपको 1101 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा 5055। कितना आ जाएगा अपना आंसर 5505। कितना हुआ आंसर अपना 5505। तो इन पॉइंट का ध्यान रखना, देखो ए कितना था 0.6, डी कितना 1.1, एन हमारे पास कितना था 100 टर्म्स। इसको सॉल्व किया हमारे पास लास्ट वाले कितना आ गया 5505। तो ये हो गया डेसिमल वाला सॉल्व। अब देखो फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन वाला देखो, फ्रैक्शन वाले में कभी भी प्लस माइनस करेंगे तो इनमें हमें क्या करना है, एलसीएम का यूज करना है। एलसीएम के बिना कोई भी प्लस और माइनस हमें नहीं करना है। अगर प्लस माइनस का डायरेक्ट अगर यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा वो। देखो कितना लिखा है 1/15, 1/12, 1/10, 11 टर्म्स ने लिखा है अपने पास। तो देखो 1/15, 1/12 और 1/10 दे रखा अपने को। यहाँ कितने टर्म्स तक निकालना अपने को, 11 टर्म्स। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ ए हमारे पास कितना है 1/15, डी कितना हो जाएगा a2 - a1, डी कितना होता है a2 - a1, तो 1/12 - 1/15। देखो 12 और 15 का आपको क्या लेना है इधर एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम कैसे लेना है देखो, यहाँ 2 की टेबल में 12 है 6 टाइम और ये कितना हुआ 15, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स और 15, 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स और 5, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 3 = 15, 15 2 = 30, 32 = 60। तो अपने पास एलसीएम कितना हुआ 60, 12 की टेबल में 65 टाइम्स कितना हो जाएगा 5, 15 की टेबल में 64 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 4, 5 - 4। तो डी हमारे पास कितना आया 1/60। मैंने कहा ना जहाँ फ्रैक्शन आ जाए तो आपको प्लस माइनस हर जगह एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। डी कितना हो गया अपने पास 1/60, ए हमारे पास कितना है 1/15, अपने को फाइंड क्या करना है एस 11 टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। एस एन है, एस कितना है 11, कितने नंबर ऑफ टर्म्स 11, तो 11/2 2 मल्टीप्लाई ए, तो 2 × 1/15 प्लस n-1, एन कितना है अपने पास 11, एन कितना है 11, तो 11-1 मल्टीप्लाई डी कितना अपने पास 1/60। तो देखो यहाँ 11/2 2/15 देखो 2 1 = 2 2/15 प्लस 11-1 कितना हुआ 10/60। 0 से 0 कट, अब अपने पास कितना आ गया 1/6। अब देखो आगे 11/2 यहाँ कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6 कितना हो गया देखो 11/2। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30, तो देखो यहाँ एलसीएम कितना हुआ 30, 15 की टेबल में 30 2 टाइम्स 2 2 = 4 2 2 = 4 प्लस 6 की टेबल 35 टाइम्स 5 1 = 5, तो कितना हो गया 4 + 5। अब देखो यहाँ लिखा है 11/2 मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा है 4 + 5 9,
अपॉन में 30, कितना लिखा है 9/30। 3 की टेबल से कट हो जाएगा, 3 जा 9 और 3 10 जा 30। तो देखो कितना आ गया अपने पास आंसर, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। तो अपना आंसर कितना हुआ, 33/20। आप चाहो तो इसको डेसिमल में आगे सोल्व हो जाएगा, नहीं तो इतना छोड़ दो, इतना आंसर सफिशियंट है। देखो हमें इसमें क्या फाइंड करना था, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग, फाइंड द सम। जब भी सम हो जाए तो अपने को ये फॉर्मूला याद करना है, SN इक्वल टू में n बाई 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इसमें भी क्या होगा, अपने पास 3 वैल्यू नॉन होगी, 1 वैल्यू अननोन होगी, जो अपने इससे SN की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है अपने पास SN नॉन हो और अपने को a पूछा जाए, n पूछा जाए या d, कोई एक वैल्यू पूछी जाएगी, 3 वैल्यू अपने पास दे रखी होगी और अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।